आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है द नियरली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल्स अबाउट द ऑक्सीजन एटम्स अलाउ ईच वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद एज मेनी एज फोर नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस रीजन दे रखा। इन आइस ईच मॉलिक्यूल फॉर्म्स फोर हाइड्रोजन बॉन्ड एज ईच मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड इन द स्पेस। हमारे पास ये देखा क्वेश्चन कि जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है ऑक्सीजन एटम की, वो अलाउ करती है हमारे पास जो है चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एज मेनी एज चार नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और इन आइस ईच मॉलिक्यूल फॉर्म्स फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब हर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो है फिक्स्ड होता है स्पेस में। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो हमारे पास ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हमारे पास कोई एच आइटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से बॉन्डेड हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की 3.0 और इसकी 4.0। इतनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इस पे जो एच एटम पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पे, ठीक है। फिर ये हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है और इंट्रामोलिकुलर भी। इंटरमोलिकुलर तो होता है हमारे पास जो ये दो टाइप का हो सकता है, इंटरमोलिकुलर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाए जो मॉलिक्यूल, और इंट्रामोलिकुलर सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाए, ठीक है। अब हम देखें हमारे पास दे रखा है H2O, वाटर दे रखा है। अब H2O में देखें तो इसकी पहले इसकी अरेंजमेंट देख लेते हैं तो अरेंजमेंट कैसे होती है। तो ये देखिए ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 की, मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से OH के कितने दो बॉन्ड पेयर आते हैं, और इस पे अभी भी चार इलेक्ट्रॉन फ्री तो दो लोन पेयर, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो स्टेरिक नंबर 4 और हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। और इसकी जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और शेप इसकी बेंट होती है, ठीक है। ये देखिए ये दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए और ये दो लोन पेयर। अब देखिए तो अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के अरेंजमेंट देखिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। और शेप इसकी शेप में हमारे पास लोन पेयर काउंट नहीं होती इसलिए शेप इसकी बेंट होती है, लेकिन अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको दिखाना चाहूँ तो देखिए इस पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.2, इसकी 3.5, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये देखिए ये किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, देखिए ये कोई और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, ठीक है, ऐसे सॉरी वाटर मॉलिक्यूल था, इसके साथ ये ऐसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया हमारे पास एच बॉन्ड बन गया यहाँ एक, ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था इजीली इसके साथ बना सकता है बॉन्ड। ये आपके सिमिलर किसी और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा ये, ठीक है। ये वाला ये एक एच बॉन्ड यहाँ से आ गया और इसके जो एक मॉलिक्यूल उसमें दो हमारे पास लोन पेयर भी होते, तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी अपने लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई वाटर मॉलिक्यूल है, एक यहाँ बना लिया एच बॉन्ड बन गया ये, ठीक है, इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ इसने ये बना लिया एच बॉन्ड, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो कितने चार, हर एक मॉलिक्यूल चार चार और वाटर मॉलिक्यूल के साथ चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो फोर एच बॉन्ड्स बन गए, फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि चार नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ये करेक्ट है। फिर इन ईच आइस ईच इन ईच इन आइस में जो
हाँ इसमें होता है वो चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो फिक्स होता है। अब देखिए तो H2 हमारे पास जब रूम टेम्परेचर पे ले, रूम टेम्परेचर में तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म में हमें पता है जो H2 होता है वो रैंडमली अरेंज होता है, ये रैंडमली किसी भी इनका अरेंजमेंट जो होता है लिक्विड में ये रैंडमली अरेंज होते हैं और ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड और हम कहें तो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, तो इसलिए कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं जिसकी वजह से इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है एच बॉन्ड्स आर रैपिडली फॉर्म्ड एंड ब्रोकन, रैपिडली फॉर्म्ड एंड ब्रोकन मतलब क्योंकि वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। लेकिन आइस देखे तो आइस में हमारे पास जो H2O की सॉलिड फॉर्म होती है, H2O सॉलिड को हम आइस कहते हैं, तो इसमें जो हमारे पास है H2O जो एक मॉलिक्यूल है ये हमारे पास एक मैनर में अरेंज होते हैं, अरेंज्ड इन अ मैनर, ठीक है, एक लैटिस में अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा, ठीक है, ठीक और यहाँ पे ये कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज होते, देखिए यहाँ पे ये बड़ा बॉन्ड, ठीक है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, 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 ठीक है, ये एक एच बॉन्ड बना, यहाँ एक एच बॉन्ड बना, यहाँ एक एच बॉन्ड बना, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज होते हैं इसलिए ये, तो इसीलिए यहाँ देखिए तो एक ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने चार एच बॉन्ड बनाते हैं आइस में, तो में यहाँ पे कोई रैपिडली ये जो है बनते और टूटते नहीं है, ठीक है, ये एक फिक्स मैनर में अरेंज हो जाते हैं, ओके। तो इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि इन आइस मॉलिक्यूल फॉर्म्स फोर हाइड्रोजन बॉन्ड एज ईच मॉलिक्यूल इज फिक्स इन द स्पेस, ये भी ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट है कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।